नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि सीएससी में एनएसटीएल ब्रांच आईडी आप कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट एनएसटीएल ब्रांच आईडी इन सीएससी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएससी के माध्यम से आप एनएसटीएल पैन सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमें चले जाना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर, और अपने आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है कि सर्विस वाले मेनू पे चले जाना है और वहाँ जाके सर्च कर लेना है एनएसटीएल। जैसे ही हम यह एनएसटीएल लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे एनएसटीएल पैन सर्विस हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें ये क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, फिर एनएसटीएल का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। हमें इस डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। हो सकता है कि आपसे डिजिटल सेवा का आईडी और पासवर्ड मांगे, तो आईडी पासवर्ड देके आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप चले आएंगे एनएसटीएल के होम पेज पे, और यहाँ से जाके आप नए पैन कार्ड के एप्लीकेशन या फिर इस मेनू से जाके अपडेट पैन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इस फॉर्म को पहले जो भी एप्लीकेशन आपके पास नया हो या फिर अपडेट हो उसको ये फिलअप करके सबमिट करना है, ठीक है। पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस आपको शुरू करना है, स्टार्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे पैन कार्ड का जो चार्ज है वो पेमेंट करने को कहेगा, ठीक है। पेमेंट वाला पेज यहाँ पे चलाएगा। अब यहाँ पे चलाएगा प्रोसीड टू पे, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आप डिजिटल सेवा पोर्टल के पेमेंट वाले पेज पे चले आएंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, फिर अपने ट्रांजेक्शन पिन डालनी है और उसके बाद पे 97.12 रुपीज़ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको वापस से इस पेमेंट एक्नॉलेजमेंट वाले पेज पे लेके चलाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है कस्टमर की कि सीएससी आईडी, आपका एप्लीकेशन टाइप, ट्रांजेक्शन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, पैन, ये सारा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड टू एनएसटीएल पोर्टल, अब आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू एनएसटीएल पोर्टल पे। अब आप एनएसटीएल पोर्टल पे चले आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, तो आपको अलाउ कर देना है। और एक परमिशन जो कॉमनली मांगेगा ही आपसे वो है लोकेशन का, तो आपको क्या करना है, लोकेशन अलाउ करना है। अलाउ कैसे करेंगे, जस्ट आपको क्लोज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलाउ दिस टाइम, अलाउ ऑन एवरी विजिट, अलाउ और डोंट अलाउ, ठीक है। अगर ये नहीं दिखे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चला आएगा आपके सामने। अब यहाँ से आप चाहे तो अलाउ दिस टाइम कर सकते हैं या फिर बेटर होगा अलाउ ऑन एवरी विजिट आप करके इसको छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद आप चले आएंगे इस लॉग इन वाले पेज पे। तो आपने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है एनएसटीएल में, आपकी आईडी है, तो अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम एनएसटीएल पे पैन कार्ड बना रहे हैं सीएससी के माध्यम से, तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर आपकी सीएससी आईडी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम की जगह पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपने शॉप का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप यूज़र नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यूज़र नेम टाइप करने के बाद जैसे ही आप टैब मारेंगे, यहाँ पे बता देगा कि यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस टाइप कर देना है पूरा, और फिर ये मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल पे ओटीपी जनरेट होगा, रिक्वेस्ट ओटीपी करना है, ओटीपी जनरेट होगा और ओटीपी डाल के फिर वैलिडेट ओटीपी कर देना है। सेम वैसे ही आपको ईमेल भी, मेल आईडी भी डालनी है, रिक्वेस्ट ओटीपी करना है, ओटीपी डाल के फिर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो आपके आधार में लिंक है, आप दूसरा भी मोबाइल नंबर जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं वो मोबाइल नंबर डाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे एनएसटीएल पे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही यहाँ पे सबमिट का बटन है, फाइनल सबमिट के लिए जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चला आएगा वी थैंक यू फॉर यूजिंग पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ प्रोटीन, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एंड योर प्रोटीन एजेंट आईडी इज CSC00, ऐसे करके आपको यहाँ पे आईडी मिलेगी, यही है आपकी एनएसडीएल की आईडी, ठीक है। और डिटेल्स जाने के लिए जैसे ही आप ओके करेंगे, आप पैन वाले पेज पे चले आएंगे, ठीक है। ये है पैन के एप्लीकेशन पेज, और यहाँ पे ऊपर देखिए PSA एंटिटी आईडी बोल के लिखा होगा, प्रोटीन एजेंट आईडी बोल के लिखी होगी और PSA ब्रांच कोड बोल के यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो यही है आपकी एनएसडीएल की लॉगिन की डिटेल्स।
अब क्या करेंगे, आप यहाँ से पैन कार्ड का एप्लीकेशन जिसका प्रोसेस कर रहे थे आप, उसका यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको दोबारा जब भी एप्लीकेशन करना हो तो जिस लॉगिन वाले पेज पे आपने रजिस्टर किया हुआ था वहीं से डायरेक्टली आप मोबाइल नंबर OTP डाल के वहाँ से लॉगिन कर लेंगे और आगे का प्रोसेस जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से न्यू करना है तो न्यू और करेक्शन करना है तो करेक्शन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि CSE के माध्यम से NSDL ब्रांच ID रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।